केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ किया कि डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाएगा। उनके मुताबिक डिजिटल इंडिया बिल में इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने संभावना जताई कि एआई से नौकरियों को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ये मुलाकात गुरुवार को हुई थी। इस पर ऑल्टमैन ने बताया कि पीएम मोदी से ये चर्चा हुई कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात को अच्छा बताया। साथ ही कहा कि भारत उन सभी सहयोग का स्वागत करता है जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल बदलाव को गति दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ग्रह का पता चला। ये ग्रह सौर मंडल या आकाशगंगा से बाहर है। यूरोप के देश जॉर्जिया की एक रिसर्च टीम ने इसकी जानकारी जुटाई। इस टीम से जुड़े एक रिसर्चर ने बताया कि उन्हें पारंपरिक तकनीक के जरिए ये पता तो चल गया था कि सौर मंडल के अलावा भी ग्रह मौजूद हैं, लेकिन एआई की मदद से इसकी सही लोकेशन का पता चल गया।